स्टूडेंट्स, एक मैथ्स की बुक आप लोगों की मेन बुक है जो अभी जिसमें हम लोगों ने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक ये आपकी छोटी सी बुक होगी मेंटल मैथमेटिक्स की, है ना। तो इसको हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें अलग अलग पेजेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं है, उसको क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करके देखना है। तो इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किसी चैप्टर वाइज नहीं है, ठीक है। तो हम अभी फर्स्ट असाइनमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अभी वो सिलेबस कवर हमने नहीं किया है। जो जो सिलेबस हम मेन बुक में कवर करते जाएंगे उस सिलेबस को हम लोग इसमें उसी पेज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हमने मेन बुक में नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स के रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं उनको किया है ना। तो अभी हम इसलिए फर्स्ट पेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेकंड असाइनमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वन है। अच्छा, इस बुक में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो बुक में ही करने हैं, इसके लिए कोई अलग से ना तो कॉपी बनानी है और ना इसको किसी कॉपी में करना है, ठीक है। ये मेंटल असाइनमेंट की बुक यही है, इसको इसके बुक में जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बुक में ही करेंगे, ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 51,297 इज। तो प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, छोटा छोटा इसके ऊपर हम मार्क कर लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, ठीक है। पूछा गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 टेंस की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 90, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 20 मोर देन 12,000, 12,000 से 20 ज़्यादा क्या नंबर होगा। हम इसको यहाँ जो ये थोड़ा सा स्पेस हमें दिया हुआ है इसमें हम यहाँ रफ वर्क कर लेंगे, तो 12,000 में 20 को ऐड करेंगे, 0, 0, 0, 2 and 0, 2, 0, 2 and 1, यानी 12,020। मोर फाइंड आउट करना था इसलिए हमने इसमें 20 को ऐड कर दिया, तो 20 मोर देन 12,000 इज 12,020, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर, ये एक हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया, न्यूमरल दिया हुआ है, इसको हमें स्टैंडर्ड न्यूमरल में लिखना है। बहुत सिंपल है, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का साइन देख के थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन इस बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 2 into 10,000, है ना। तो 10 to 20, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 10,000 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। देन 7 into 1,000, तो 7 into 1,000 इज इक्वल टू 7,000, तो 7,000। देन 3 into 100, 3 into 100 इज इक्वल टू 300। देन 6 into 10 इज इक्वल टू 60 एंड 5 into 1 इज इक्वल टू 5। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 5, 6, 3, 7, 2, तो हमारे पास नंबर क्या आया, 27,365। इसको यहाँ लिख देंगे, 27,365, ओके। नाउ क्वेश्चन 4, विच इज ग्रेटर, दो नंबर दिए हैं इनमें से बड़ा कौन है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था कि हम जो लेफ्ट डिजिट होती है सबसे उससे स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। तो यहाँ 10,000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4, और यहाँ पर 1, तो 4 बड़ी है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। तो विच इज़ ग्रेटर, यहाँ हम उस नंबर को लिख देंगे जो कि ग्रेटर है, ठीक। नाउ हाउ मैनी 10,000 आर देयर इन, अब ये नंबर हमें दिया हुआ है इसमें कितने 10,000 हैं ये बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसी के ऊपर छोटा छोटा मार्क करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000। तो 10,000 की प्लेस पे क्या है, 3, तो कितने 10,000 हुए, 3, ठीक है, ठीक। विच नंबर इज 1 less than 10 lakh, 10 लाख से 1 less यानी 10 लाख से 1 कम क्या होगा।
तो हम 10 लाख लिखते हैं पहले, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख एंड 10 लाख, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें से वन लेस यानी वन हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये पूरा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से बोरो करता जाएगा और ये 10 बन जाएगा। ये इसको बोरो देगा तो ये 10 बनेगा, फिर ये इधर इसको देगा तो ये 9 रह जाएगा, ये इसको देगा ये 10 बनेगा और ये 9 रह जाएगा, ये इसको बोरो देगा ये 10 बन जाएगा ये 9 रह जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 बनेगा ये 9 रह जाएगा, और ये इसको बोरो देगा तो ये 10 बनेगा और ये 9 रह जाएगा, और 10 माइनस 1, 9, 9, 9, 9, ये 9 और ये 9, ठीक है। तो विच नंबर इज वन लेस देन 10 लाख? 9,99,999, 9,99,999, ठीक है। डैश इज द सक्सेसर ऑफ 49,998, सक्सेसर मीन्स वन आगे, वन ऐड करके हम सक्सेसर को फाइंड आउट करते हैं ना, या नेक्स्ट नंबर। तो 98 के आगे आता है 99, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या इसमें हम वन को ऐड कर लेते हैं। किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए वन ऐड करते हैं। 4,9,9,9,8 ये नंबर दिया है, इसका सक्सेसर फाइंड आउट करना है। 8 प्लस 1, 9, 9, 9, 9 एंड 4। तो यहाँ पूछा था व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ दिस, तो इसका सक्सेसर क्या हुआ, हमने वन को ऐड करके फाइंड आउट कर लिया, 4,9,9,9,9 यानी 49,999 इज द सक्सेसर ऑफ 49,998। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर इज, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 9। तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 6 टाइम्स हम 9 को लिखेंगे तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 होता है ना, तो 9 को हम जितनी बार लिखेंगे उतने डिजिट का हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है। तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 9,99,999 इज द लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर। द न्यूमरल फॉर 45,551 इज 45,000, यहाँ लिख लें प्लेस वैल्यू 1,000, 100, 10s and 1s, 45,000, 45,550 यानी 5 10s and 1 1s के नीचे, तो ये नंबर हमारा क्या बना, 45,551, ओके। नाउ 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन, तो उसका आंसर है 1,000। 1 लेस देन 90,000, अब या तो हम इसका सीधे सीधे प्रेडिसेसर लिख दें या 1 लेस कर दें, तो 1 लेस कर लेते हैं, 90,000 माइनस 1, तो ये इसको बोरो देगा तो ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 8, ये इसको बोरो देगा बनेगा 10 रह जाएगा 9, ये इसको बोरो देगा तो बन जाएगा 10 ये रह जाएगा 9, और ये इसको बोरो देगा तो ये बनेगा 10 ये रह जाएगा 9, 10 माइनस 1 9, ये 9, ये 9, ये वाला 9 और ये रह गया था 8, तो 1 लेस देन 90,000 इज 89,999, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच इज स्मॉलर, 67,007 और 67,000 माइनस 7, तो हम पहले 67,000 में से 7 को माइनस कर लेते हैं, 67,000 माइनस 7, 0,0,0 है तो ये इससे बोरो लेगा बनेगा 10 और ये रह जाएगा 6, ये इसको बोरो देगा ये बनेगा 10 ये रह जाएगा 9, और ये 0 इससे बोरो लेगा बनेगा 10 और ये रह जाएगा
9 एंड 10 माइनस 7 इज 3, 9, 9, 6 एंड 6। तो अब हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, एक 67,007 है और एक 66,993 है। तो इनमें से स्मॉलर कौन सा है, दिस वन है ना, दिस इज 67,000, दिस इज 66,000। तो 66,000 ये छोटा है, इसका मतलब ये नंबर छोटा है, ठीक है। तो विच इज स्मॉलर, ये छोटा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 67,000 माइनस 7, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको इसी में करना है, कोई कॉपी में नहीं करना है, ठीक है।